ये देखिए फिजिकल जला हुआ हमें दिख रहा है यहाँ पर, 5 वोल्ट की जो सप्लाई आती है उसके पास में जो रेजिस्टेंस कोइल होती है वो बिल्कुल बर्न हो चुकी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। लैपटॉप रिपेयरिंग के साथ साथ में हम डेटा रिकवरी का भी काम करते हैं, तो आज हमारे पास में एक सीगेट कंपनी की हार्ड ड्राइव आई है, 500 GB हार्ड ड्राइव है, ये देखिए 500 GB की हार्ड ड्राइव है। और कस्टमर के घर में लाइट तेज आ जाने के कारण, हाई टेंशन की लाइन के कारण इसकी हार्ड ड्राइव जो है डैमेज हो चुकी है, कंप्यूटर पूरी तरह बर्निंग हो गया है। और जब हमने इसको ओपन करके देखा तो हमें यहाँ पर कुछ जला हुआ दिखा है, तो आइए मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखा देता हूँ एक बार में। ये इसकी PCB है, लॉजिक कार्ड है, और जो पूरी तरह डैमेज हो चुका है, ये देखिए यहाँ पे बर्निंग हो गया, पूरा जल गया है कंपोनेंट। और सिर्फ इतना ही नहीं जला है, इसमें शॉर्टिंग भी आ गई है। अभी मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगा कहाँ पर शॉर्टिंग है, इसको कैसे चेक करें। अगर आपकी शॉप पर भी कोई इस तरह की जली हुई हार्ड ड्राइव आती है तो आप इसको कैसे ठीक करें, तो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। और आप इसको घर पे भी कैसे ठीक कर सकते हैं तो मैं पूरी डिटेल आपको दूंगा। ये जो हार्ड ड्राइव है इसमें कस्टमर की शादी का पूरा डेटा है, उसका कहीं बैकअप भी नहीं है, तो ये इसका डेटा निकालना, इसको रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे इसको ठीक करें, तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए कैसे इसको ठीक करते हैं। तो जो हमें जला हुआ पार्ट दिख रहा है वो इसकी कोयल है, रेजिस्टेंस होती है एक तरह की, 0 मान में इसका मान आता है, लेकिन इसका मान अभी बढ़ चुका है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसको सबसे पहले हम कंटिन्यूटी पे कर लेंगे एक बार, ये मैंने इसको बजर रेंज पे कर लिया है। और अब हम इसको देखो चेक करेंगे एक बार, ये देखिए ये 0 आना चाहिए, एक तरह की रेजिस्टेंस होती है, फ्यूजिबल रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं, ये देखिए। लेकिन यहाँ पर इसका शायद मान बढ़ गया होगा, देखिए जलने के बाद में, ये देखिए ये यहाँ पर बजर नहीं आ रहा है, बीप की आवाज़ नहीं आ रही है। इसके साथ साथ ही हम आगे भी चेक करेंगे इसको कि और कहीं तो शॉर्टिंग नहीं है, 5 वोल्ट की शॉर्टिंग के लिए हमें यहाँ पर भी चेक करना होगा। ये देखिए ये इसका डायोड है शॉर्ट आ रहा है, ये कैपेसिटर हैं ये भी शॉर्ट आ रहे हैं, जबकि 12 वोल्ट में किसी तरह की शॉर्टिंग नहीं आ रही है। तो मतलब हमें 12 वोल्ट वाला सेक्शन रिपेयर नहीं करना है, हमें 5 वोल्ट की जो शॉर्टिंग है वो यहीं चेक करनी है। तो एक बार हमें इन कंपोनेंट को हटा के देखना होगा कि कौन सा कंपोनेंट इसमें शॉर्ट है, तो एक बार हम पहले इसको हटा के देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम इस डायोड को ही एक बार ऊपर करके देखेंगे क्योंकि मैक्सिमम टाइम यही शॉर्ट होता है। तो ये मैंने इसे एक टांग ऊपर कर दी है, देखिए और इसकी मैंने एक टांग ऊपर कर दी है। अब हम इसको चेक करेंगे एक बार, ये देखिए यही इसमें शॉर्ट है, पहली बार में ही शॉर्टिंग निकल गई इसकी। देखिए अब जो ये कैपेसिटर पहले शॉर्ट आ रहे थे, ये देखिए शॉर्ट नहीं आ रहे हैं, पहले जो ये कैपेसिटर शॉर्ट आ रहे थे वो शॉर्ट नहीं आ रहे, मतलब शॉर्टिंग निकल चुकी है। ये देखिए यहाँ पे भी शॉर्टिंग नहीं आ रही है, ये कैपेसिटर ही शॉर्ट है। तो हमारे पास में अगर सेम कार्ड हो तो हम यहाँ से निकाल के इसको लगा देंगे, मेरे पास में एक सेम कार्ड है, ये देखिए मैं जरा इसको निकाल के यहाँ पर लगा देता हूँ। और जो ये जला हुआ है, जला हुआ पर मैं जंपर भी मार सकता हूँ, और या फिर इसको मैं फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है इसको यहाँ से निकाल के मैं इसमें लगा सकता हूँ। तो सबसे पहले हम इसका डायोड चेंज करेंगे एक बार, ये डायोड मैंने हटा दिया है। और ये वाला डायोड हमें यहाँ पे लगा देना है, इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखना है, या फिर आप एज इट इज उसको उठा के लगा दीजिए अगर आपको, या फिर इसका प्लस माइनस का आप ध्यान रखिए इसमें। ये उठा के सीधा सीधा यहाँ पे हमें लगा देना है इसमें, डायोड लग चुका है। अब जो ये बर्निंग पार्ट है वो हमें बदल देना है, या फिर हमें जंपर मार देना है। तो पहले तो हम इसको एक बार साफ़ कर लेते हैं एक बार, जो हमें लगाने में आसानी होगी उससे।
पहले हम काउंट देख लेते हैं इसमें कितने जले हुए कंपोनेंट है एक बार। एक दो, ये देखिए जल चुके हैं, अपने आप ही निकल के आ रहे हैं। दो तीन, ये तीन हमें बदलने हैं, या तो मैं जंपर मार सकता हूँ या फिर मैं इनको सीधा ही बदल सकता हूँ। ये देखिए ये देखिए ऐसे गिर रहे हैं, जल चुके हैं पूरी तरह से। अब तीन हमें यहाँ पे फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगा देनी है या फिर हमें जंपर मार देना है, तो जो ज़्यादा इजी हो आपके लिए वो कर सकते हैं, लेकिन फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हमारे पास में जो सेम लॉजिक कार्ड है हार्ड ड्राइव का, इसके कॉम्पोनेंट हम सीधा उतार के इसमें लगा देंगे। तो ये तीनों में उतार के इसमें लगा देता हूँ, देखिए ऊंचे हो चुके हैं एक बार में। तो मैं यहाँ रख रहा हूँ, एक बार इसको तीनों को एक साथ लगा देंगे। ये तीनों कंपोनेंट मैंने उतार लिए हैं और सीधे के सीधे मुझे अब इसमें लगा देने हैं। इसमें उल्टा सुल्टा वाला कोई सिस्टम नहीं होता, आप किसको कैसे भी लगा सकते हैं। फाइनली हमने कंपोनेंट लगा दिए हैं, अब एक बार इसको मीटर से चेक कर लेंगे कि क्या सप्लाई आगे तक जा पाएगी। तो ये मैं चेक कर पा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, ये देखिए पिनों तक जा रहा है, जीरो आ रहा है। ये देखिए ये भी हो गया और ये वाला भी हो गया और ये वाला भी, देखिए सही बता रहा है। अब हम इसको हार्ड ड्राइव में पैक कर लेते हैं और चेक करते हैं क्या हार्ड ड्राइव रिपेयर हो पाई है या नहीं हो पाएगी, डिटेक्शन होगा या नहीं होगा, वो सब बातें हमें इसमें लगाने के बाद ही पता चल पाएगी। तो मैं पैक कर लेता हूँ इसको। सभी स्क्रू लगा दिए हैं, लास्ट स्क्रू हमें लगाना है इसमें और ये लग चुका है। अब हम इसको चेक करेंगे एक बार, सिस्टम भी हमारा ऑन है। तो पहले मैं इसका डिवाइस मैनेजर खोल लेता हूँ। और यहाँ पर अभी एक डिस्क है मेरे पास में, यहाँ पे जो मेरी खुद की दिखा रहा है, ये देखिए अभी एक ही डिस्क दिखा रहा है। अब मैं इसको अटैच करता हूँ, देखते हैं कि क्या ये डिटेक्शन में आई है या नहीं आई। ये मैंने डेटा वाली केबल लगा दी है और ये मैं इसमें पावर वाली केबल अटैच कर रहा हूँ। वाइब्रेशन मुझे महसूस हो चुका है, हार्ड ड्राइव घूमने लग गई है। हम यहाँ से इसको स्कैन कर लेंगे एक बार। माय कंप्यूटर में इधर ओपन कर लेता हूँ, ये मेरे तीन पार्टीशन आ रहे हैं और इसको मैं एक बार वापस स्कैन करता हूँ, शो नहीं हुई अभी तक हमारे कंप्यूटर में। ये देखिए हमारी हार्ड ड्राइव 500 GB वाली है, वो शो हो चुकी है, सीगेट कंपनी की हार्ड ड्राइव शो हो चुकी है और यहाँ पे भी पार्टीशन आ चुके हैं। पहले यहाँ पर जो तीन पार्टीशन आ रहे थे अब वो यहाँ पर पार्टीशन आ चुके हैं। अगर आपके हार्ड ड्राइव में भी कोई दिक्कत आ रही है, हार्ड डिस्क जल चुकी है, SSD में कोई समस्या आ रही है, डिडक्शन में नहीं आ रही है, विंडो बार बार करप्ट हो रही है, या और भी कोई आपके लैपटॉप में समस्या है, तो आप मेरी दुकान पर आ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, हो सकता है किसी ना जाने क्या जरूरत पड़ जाए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मेरा एड्रेस है विनायक कंप्यूटर, G73 ग्राउंड फ्लोर, रायसर प्लाजा, जयपुर। थैंक यू।